सारे के सारे गेम आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही आपके 1 GB रैम में भी वर्क करेगा। और क्या चाहिए, सिनेमैटिक इफेक्ट साथ में मिलता है, विजुअल इफेक्ट्स तो कमाल की है, ठीक है। साथ ही जो इसके ग्राफिक्स है, मतलब उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम तो देखने को मिलेंगे नहीं। कहीं सोच रहे हो कि इसमें फेक मॉन्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी में ओरिजिनल पोकेमॉन्स ही देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही इनमें से कुछ गेम टेम्पररी एंड कुछ तो 3-4 सालों से चले हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी टॉप सीक्रेट है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है आप इसमें से कम 3 या फिर 4 तो जरूर सही खेलोगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड वीडियो को तो देखोगे ही, लेकिन जब आप उसके गेम को खेलोगे तो फिर और ज्यादा मजा आएगा यार। देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको बोनस भी दूंगा अगर आप एंड तक रुकते हो तो। हाँ, तो मुझे बता देना कि आप एंड तक रुके कि नहीं रुके, ठीक है। एंड टैटी की को हिट करना तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पर प्रेस कर देना। बाप रे, बहुत ज्यादा ही गंदी ठंडी है, तो यार फटाक से जाओ कंबल के नीचे घुस जाओ, ना मेरी वीडियो देखते रहो कंबल के नीचे, बिकॉज बस तुम ना बस यार बस समझ लो पूरे फुल कपड़े पहन कर रखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडी है यहाँ तो, और आपके पास पता नहीं, लेकिन हाँ इधर बहुत ज्यादा ठंडी है। सो देखो अब थोड़ी बहुत वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो देखो आज मैं जितने भी गेम्स दिया ना, देखो एक से भी अगर आपको प्रॉब्लम आया, फिर देखो साथ ही मैं आपको मैंने ये भी दिखाया है कि आप कैसे डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा है तो मैंने देखो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो कि अर्ली एक्सेस होते हैं, तो उनका प्ले स्टोर से डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, ठीक है, तो उन्हें क्रोम से जाकर लिंक लेना पड़ता है। एंड हाँ, उतना मैंने किया नहीं, और मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया, जो अगर आपको जिसमें भी लिंक ना मिले जिस गेम के, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रखी है कि कैसे उसे डाउनलोड करें और इसी वीडियो में, तो फिर वीडियो में आपको सारी चीज और सारी डिटेल मिल जाएंगी। एंड कहीं पर भी अगर डिसअपॉइंटमेंट होते हो तो मुझे कमेंट बताना, मैं वो वाली सीन चेंज कर दूंगा। जो आखिरी आखिरी नंबर पर गेम आता है उसका नाम है पोकेमोनियर, मैं इसका नाम ही नहीं लेना चाहता, चलो फिर भी बता देता हूँ। इसका नाम है मॉन्स्टर अवेकन बैटल। हाँ देखो, इस गेम की जो विजुअल इफेक्ट्स है, एंड देखो यार कुछ भी कहो, जितने भी प्ले स्टोर पर गेम है ना, सबसे ज्यादा बेहतरीन विजुअल इफेक्ट इसी के लगते हैं, ऐसा तुम कह सकते हो, मैं तो नहीं कह रहा। हाँ देखो, बहुत ज्यादा बढ़िया गेम है, अभी आपके सामने दिख रहा होगा, गेम बेस्ड है कांटो रीजन पर। जैसी की जैसी हमारे सामने स्टोरी आती है, वैसी की वैसी ये गेम तुम्हारे सामने आती है। वाला क्या बात हम करती है और तुम क्या सुनती है, ठीक है। तो कभी कभी पता है क्या होता है कि इस गेम में ना 6 फ्रेम, देखो 6 तुम्हारे पोकेमोन एंड 6 जितने भी अपोनेंट के पोकेमोन होते हैं। हाँ, गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, एंड गेम आपको 300 MB के अंदर में देखने को मिलता है, तो इतना ज्यादा सस्ता और गरीब गेम है, और क्या ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अगले गेम की तरफ बढ़े, या फिर थोड़ा सा और ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, ठीक है। तो यार चलो थोड़ी बहुत और जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। एंड वैसे भी इस गेम के बारे में मैं कितना भी कुछ बोल दूं ना, तो भाई प्ले स्टोर वाले बस इसको देर तक टिकाए रखे, ठीक है, क्योंकि भाई देखो मतलब प्ले स्टोर वालों की तो दुश्मनी है ही पोकेमोन के गेम से, झाड़ू मारकर मारते मारते इतना दूर फेंक देते कि वो दोबारा भी नहीं आ पाते। चलो जो अगला गेम है उसका नाम है पोकेमोन, हम कह सकते क्योंकि इसका नाम है पोके एल्फ। एंड देखो पोके एल्फ एक इकलौता ऐसा गेम है जिसमें ट्रेनर वर्सेस पोकेमोन होता है, या तुम नहीं मानते, वेट मैं भी आपको दिखाता हूँ ना गेम प्ले। उसके बाद देखो सबसे मेन बात तो ये कि गेम थोड़ा बहुत सा ओपन वर्ल्ड है जिसमें आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट का मजा ले सकते हो, है ना। गेम की स्टोरी चलती रहती है, एंड आपके जो कारनामे होते हैं वो भी रुकने के तो नाम लेंगे नहीं, बिकॉज यार गेम है इतना ज्यादा कमाल का कि अलग अलग आपको इसमें मिशन देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें अगर आप कंप्लीट करते हो तो फिर आपको कुछ स्पेशल चीजें भी मिलेंगे, है ना, कॉइंस वगैरह मिलते हैं जिसके बदौलत हाँ आप कुछ भी खरीद सकते हो इसमें, जो भी चीजें होती है, एंड पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, एंड आप कैरेक्टर कोई सा भी चूज कर सकते हो, दो हाँ एक मेल होता है एंड एक फीमेल होता है। देखो मेरी बोली बोली पर मत जाना, बहुत ज्यादा गंदा ठंड है भाई साहब, कुछ भी कहो ये ना, मतलब अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप आग मतलब एकदम से हवन ववन करके बैठ रहे हो, तो अगला पोकेमोन जो गेम है उसका नाम है स्प्राइट ट्रेनर। और देखो इतना ज्यादा खतरनाक नाम ही है, तो फिर गेम कितना ज्यादा बेहतरीन होगा रे, ऐसे सोच रहे हो ना। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है यार, देखो मैं आपको इसका गेम प्ले दिखा रहा हूँ, एंड जो लास्ट में आता है ना विलन ट्राइनेटार, भाई साहब उसकी तो बात ही छोड़ो। एंड देखो जब म्यूटो आएगा भाला लेकर, हाँ अभी आएगा, देखो म्यूटो जब आता है ना भाला लेकर मारने, अभी देखना फिर वो वाली सीन अलग सा ही होता है, और यहाँ पर देवी माँ बन गई म्यूटो। हाँ मतलब भाई गेम तो गेम ही है ना, लेकिन फिर भी गेम बड़ा कमाल का है। गेम इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सबमिशंस देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें अगर आप क्लेम करते हो, हाँ मिशन कंप्लीट करके जब उनके पॉइंट्स और रेवेन्यू क्लेम करते हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। समझ में आया कुछ हो नहीं आया तो हम तुमको बताता ना, रुको देखो
इस गेम में क्या है बेसिकली, जैसा जैसा आपके सामने स्टोरी चलेगी, हाँ अभी समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, जैसा हमने कांटो रीजन में देखा था स्टोरी बेस्ड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ जो हमारी स्टोरी एस कैचम की चली थी सेम वैसी, एंड ये वाला जो गेम है ये भी सेम उसी प्रकार का है, हाँ कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसे ऐसे चीजें जो कि उनसे बेहतरीन बनाती है इस गेम को, एंड गेम का नाम है मेगा मॉन लीग। हाँ ठीक है, इसके बारे में तो पता होगा आपको सभी को, क्योंकि भाई कैसे नहीं पता होगा, तुम्हारे भाई ने पहले इस गेम के बारे में बता दिया है। एंड क्या है कि बहुत सारे की ये फोन में वर्क नहीं कर रहा है, तो भाई यार देखो सबसे पहली बात क्या है पता है, अगर ये गेम अटक रहा है तो देखो दो केसेस हो सकते हैं, पहला तो जो इस गेम का डेवलपर है ठीक है वो कुछ नया अपडेट ला रहा होगा, या फिर इस गेम को मतलब भाई अब कोई नहीं बचा सकता ठीक है, ये भी जा रहा है लपेटे में, तो ऐसा कुछ केस वेस आ सकते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि थोड़े बहुत दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आ रही है प्रॉब्लम तो फिर हम कुछ तो उपाय कर रहे हैं, रुको थोड़ा बहुत मैं ना बात करने की कोशिश करूंगा इसके डेवलपर से, अगर कर लेते तो ठीक है वरना बोलेगी कि चल मच्छर तेरी क्या औकात है ना। वादे में भाई गेम बड़ा कमाल का है, कुछ भी कहो, आपको तीन पोकेमॉन चूज करने को मिलेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें भी आपको मेगा एवोल्यूशन देखने को मिलता है एंड भी बहुत सारी चीजें। अब जो अगला पोकेमॉन का गेम है उसका नाम है क्यूट कार्निवल, ठीक है देखो गेम आपको भी पता है कितना ज्यादा कमाल का है, पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू का रीमेक वर्जन है ये, और ये है एंड्रॉइड का पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू। हाँ मैंने बोला था ना बहुत बार पहले कि हाँ ये इस प्रकार का गेम है एंड ऐसा वैसा है, तो फिर थोड़ी बहुत और मैं आपको इसमें डिटेल दे देता हूँ, आज मैंने जितने भी गेम दी सारे के सारे ऑनलाइन है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट आपको गेम्स दिए बट उसमें भी आपको ऑनलाइन ही गेम्स देखने को मिले, और आप इसमें फ्रेंडली मैच भी कर सकते हो, तुम वर्सेस तुम्हारा फ्रेंड है ना, जीतेगा तो वही जो अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेनर होगा, जिनके पास अच्छा बैटल एक्सपीरियंस होगा, अच्छा अच्छा पोकेमोन और अच्छा नीले कलर का नहीं होगा, मतलब वाटर टाइप के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टाइप ऐसे प्रकार का कुछ उन्हें ज्ञान होगा कि हाँ ऐसा वैसा होता है ठीक है। तो वैसे भी अगर आप खेलना चाहते हो गेम को तो जरूर से खेलना, इसमें भी आपको थोड़े बहुत मिशंस देखने को मिलते हैं एंड वगैरह बहुत सारी चीजें, तो अभी क्या यार बोनस चाहिए क्या तुम्हें, चलो दे देते हैं ठीक है। देखो अगर बोनस चाहिए तो ये वाला गेम लो, एंड इस गेम को अगर आपने नहीं खेला अभी तक तो मैं आपको पहले बता दूं इस गेम का नाम है, एक दो तीन याद नहीं आ रहा यार मेरे को बट याद है, चलो ठीक है बता देता हूँ, इस गेम का नाम है पोकेमोन पेट अवेकन। अब पेट अवेकन ऐसा ही नहीं है, ये गेम भी ऑनलाइन है, मल्टीप्लेयर है, इसमें भी आपको मेगोलिसन देखने को मिल जाता है, गेम की ग्राफिक्स थोड़ी बहुत जीबी प्रकार की है बट 3DS जैसा है, गेम का साइज भी बहुत ज्यादा कम है 100 MB के आसपास है ठीक है, तो गेम जाकर जरूर से ट्राई करना, सारे के सारे एकदम बेस्ट है। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो यार प्लीज लाइक कर दो, मुझे पता कंजूसी नहीं यार, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है ठीक है, एंड वैसे भी पैसे थोड़ी जाते हैं आपके, कर दो ना लाइक ठीक है, एंड देखो कर देना ठीक है, एंड कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी आज की, एंड आज तक मैं देख रहा हूँ मतलब आज तक नहीं देख रहा हूँ, मैं कहीं सोच रहे हो कि लड़का सुधर गया है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो क्या है कि आजकल तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, हाँ मतलब पता है वो धीरे धीरे जाकर लास्ट में 2 दिन बाद देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जब मैं अपलोड करता हूँ जाकर देख लिया करो ना, बढ़िया लगेगा ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे पता है अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे समझ में आ रही है तुम्हें, तो कर दो ना अगर नहीं किया होता क्या कर रहे हो, हाँ ठीक कर दिए ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है दुर्योधन ठीक है चलो बाय एंड टेक केयर।